नवरात्रे शुरू हैं और जो भक्त हैं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के लिए दर्शन के लिए पहुंचेंगे, भीड़ हालांकि यहाँ से ही शुरू हो गई है, मगर ऐसे में भक्ति के साथ साथ एक बात और है जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, वो है ग्रहण। आखिर जब ग्रहण लगता है तो कैसे भक्तों को उस ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करनी होगी, कैसे अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए बचाव करना होगा, उस बात की जानकारी लेने के लिए हम गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर पहुंचे हैं और शीतला माता मंदिर के ही पुजारी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जब आज के दिन अगर ग्रहण बताया जा रहा है जिस तरीके से देश के कई कोनों में ग्रहण का असर है, तो ऐसे में भक्त किस तरीके से अपनी सुख समृद्धि को शांति को बनाए रखते हैं इस ग्रहण के दौरान। गणेश जी, जब कोई ग्रहण लगता है तो कैसे उस ग्रहण के बचाव के लिए भक्त अपनी पूजा याचना कर सकता है, अपने परिवार को सुखी रख सकता है? देखिए, इस ग्रहण का प्रभाव इंडिया में नहीं है, और जिन जिन देशों में इस ग्रहण का प्रभाव है उस प्रभाव के लिए हमें तो 9 घंटे पहले मंदिर में भगवान को शयन करा दिया जाता है, मंदिर में पर्दा बंद कर दिया जाता है, और ग्रहण के बाद ही मंदिर खोला जाता है, साफ सफाई की जाती है, उसके बाद में भगवान को स्नान कराया जाता है और भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। जिस जगह पर ग्रहण पड़ता है वहाँ पर जिन स्त्रियों को, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको विशेष करके ध्यान रखना होता है कि ग्रहण काल में बच्चों को विकृति रूप से उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए उन्हें गाय के गोबर को अपने उदर में पेट में लेपन कर लेना चाहिए, उससे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण के टाइम पर सब्जी वगैरह काटना, चाकू चलाना, ये सब चीज़ वर्जित रहती है, ग्रहण के टाइम पर सोना भी वर्जित रहता है। ग्रहण काल में जितना ज़्यादा पूजा पाठ किया जाए वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उसका कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। यदि आप ग्रहण काल में कोई जाप मंत्र का करते हैं तो उसका हजार गुना फल आपको अधिक प्राप्त होता है। नवजात शिशुओं की, जिनका अभी कुछ दिन पहले जन्म हुआ हो, हफ्ते 10 दिन पहले जन्म हुआ हो, उन नवजात शिशुओं की जो माताएं हैं किस तरीके से उनसे रखते हैं? उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जो शिशु गर्भ में है उनके माताओं को ध्यान रखना होता है, वो ग्रहण काल में बाहर न निकले और अपने पेट पर गाय के गोबर का लेपन करके रखना चाहिए। जो जो लोग विकलांग हैं, दृष्टिहीन हैं, जो शारीरिक किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि उन लोगों के लिए इस ग्रहण के दौरान भी कोई ध्यान देने योग्य चीज़, उनको ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना होता है, घर के अंदर में रहें, ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो यदि हमारे साथ शीतला माता मंदिर के पुजारी, जिन्होंने बताया कि जब ग्रहण कोई लगता है, चाहे वो ग्रहण कहीं भी लगे, देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, मगर ग्रहण का जो समय है उस समय पर ध्यान देने योग्य जो चीजें हैं वो यही है कि जो समय ग्रहण का चल रहा हो उस समय गर्भवती जो महिलाएं हैं वो घरों से बाहर ना निकले, और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी सेफ रखा जाए, साथ ही साथ जो विकलांग लोग हैं वो भी ग्रहण के समय पर अंदर ही घरों के अंदर बंद रहे और ग्रहण के समय बाहर ना आए। अगर वो इन सभी चीजों का पालन करते हैं तो बहुत ज्यादा फल भी इसके बदले में मिलता है, क्योंकि ग्रहण जिस समय पड़ता है उस समय पर उस ग्रहण का विरोध करने वालों को नुकसान जरूर होता है, मगर उस ग्रहण को मानने वाले लोग अगर घरों के अंदर रहते हैं तो उनको सीधे तौर पर उस ग्रहण का पुण्य भी जरूर मिलता है। ये जानकारी गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पुजारी ने हमें दी है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़।